राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य सरकार से लेकर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन भी चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लेकिन जब चुनाव की बात हो और शराब की चर्चा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इन दिनों शराब के धंधेबाजों द्वारा दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी बड़ी खेप मंगाए जा रहे हैं, जबकि बिहार पुलिस द्वारा उसे पकड़ने और जब्त करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस को सफलता मिल भी रही है। इसी कड़ी में बिहार, बंगाल, अरुणाचल समेत कई प्रदेशों में शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना मुकेश सहनी को गिरफ्तार कर लिया। सोनपुर अनुमंडल के SDPO अंजनी कुमार ने परसा थाना परिसर में कहा कि गिरफ्तार शराब माफिया सारण जिला अंतर्गत तरैया थाना क्षेत्र के हसनपुर बनिया गांव निवासी मुन्ना कुमार सहनी उर्फ मुकेश सहनी बताया जाता है। गिरफ्तार शराब के धंधेबाज बहुत बड़ा शराब माफिया है, जिसका धंधा पश्चिम बंगाल की कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर सहित कई अन्य राज्यों में चलता है। ये परसा में 112-21 केस था, उसी के अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि इस इलाके में और इस इलाके के बाहर भी एक मुकेश शाहनी नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा बाहर से दूसरे राज्यों से शराब मंगा के तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत मुकेश शाहनी को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से जो बरामद मोबाइल और अन्य जो सामग्री बरामद हुआ है, उसके विश्लेषण से पता चला कि इसके द्वारा पिछले कई सालों से अवैध शराब का कारोबार बाहर के अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ मिलकर किया जा रहा है। अकाउंट से काफ़ी लंबा लंबा ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया गया है, और अभी तक जो हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है, इसका एक संगठित गिरोह बनाए हुए हैं, जो इस छपरा के अलावा अन्य जिला में भी ये कार्य कर रहा है। और ख़ासकर इसका स्प्रिट, बाहर से स्प्रिट मंगाना, उसका डुप्लीकेट दारू बनाना, उस रैकेट से ये जुड़ा हुआ है। अभी इस पर विशेष पूछताछ की जा रही है और इसके अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। इसके साथ और भी कई जो शराब के कारोबार जुड़े हुए हैं, सफ़ेदपोश और अन्य लोगों का नाम भी हम लोग के सामने आया है, जिनकी जांच की जा रही है। पूर्व से इसके विरुद्ध हमारे थाना एवं अन्य थाना में, मशरक थाना और मढ़ौरा में और दरियापुर में, परसा में 4 केस पूर्व से ही लंबित था, जिसमें इसका अरेस्टिंग के लिए ये भागा चला। वहीं मुन्ना कुमार सहनी का मोबाइल डिटेल्स खंगाला जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 50 सफेद पोशों की संलिप्तता उजागर हुई है। हालांकि शराब के धंधेबाजों की मिलीभगत पुलिस विभाग के अधिकारी और सिपाही भी आ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।